आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से अपने मोबाइल से घर बैठे अपने बाइक का या फिर कार का इंश्योरेंस किस प्रकार करेंगे। मैं आपको इसमें जो भी बताता हूं डिटेल के साथ बताता हूं। अगर आपके पास टाइम है तो ये जरूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेके मैं आपको दिखाने वाला हूं किस प्रकार से इंश्योरेंस लेंगे और किस प्रकार से आप सॉफ्ट कॉपी यानी कहाँ से किस प्रकार से आप सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करेंगे। मैं आपको टोटल प्रोसेस ए टू जेड बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से बाइक इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और ये जो आप सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है पॉलिसी बाजार। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया पॉलिसी बाजार और टाइप करके जब ओपन करेंगे सर्च करेंगे तो और जो यहाँ पे जो पहला जो वेबसाइट आता है पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। और जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप यहां से देखिए बहुत कुछ यहां से इंश्योरेंस कर सकते हैं। कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है। ये जो आप बाइक इंश्योरेंस देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो आपका गाड़ी का जो नंबर है उसको यहां पे डालना है और डालने के बाद व्यू प्राइस पे क्लिक करना है। तो चलिए यहां पे बाइक का नंबर डाल लेते हैं। डालने के बाद जैसे ही व्यू प्राइस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से यहां पे पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका पॉलिसी जो एक्सपायर हुआ था वो कौन सा पॉलिसी था, स्टैंडर्ड था यानी कॉम्प्रिहेंसिव था, फर्स्ट पार्टी था या थर्ड पार्टी था। तो जो भी था यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा फर्स्ट पार्टी था कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपका थर्ड पार्टी अगर नहीं मालूम है तो आई डोंट रिमेंबर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका डिटेल दिखाई देगा, यहाँ पर आपका गाड़ी दिखाई देगा कौन सा गाड़ी है, और यहाँ पे गाड़ी का नंबर आपका दिखाई देगा। और यहाँ पे नीचे इस तरह से आपका डिटेल दिखाएगा कितना आपका वैल्यू था। अब आपको क्या करना है, इस साइड में देखें, राइट साइड में यहाँ पे देखें ऊपर तीन ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव कवर यानी फर्स्ट पार्टी यहाँ से कर सकते हैं या थर्ड पार्टी यहाँ से कर सकते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट पार्टी में जो भी कंपनी है वो यहाँ पर दिखाई देगा, इसका जो भी प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे स्लाइड करके आप कंपनी देख सकते हैं और प्राइस देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट पार्टी यानी कॉम्प्रिहेंसिव ना करें तो आप थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको पसंद है, जो भी कंपनी का पसंद है आप उसको ले सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें थर्ड पार्टी ओनली है लिखा हुआ कवर, थर्ड पार्टी ओनली कवर। इस पर जब क्लिक करेंगे तो थर्ड पार्टी है, जितने भी थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे आप देखें 17 थर्ड पार्टी प्लान है। और यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे तो और भी कंपनी दिखाई देगा, यहाँ पे प्राइस दिखाई देगा। और यहाँ पे देखें प्लान टेन्योर है यानी आप कितने साल के लिए पॉलिसी करना चाहते हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, जितने साल के लिए पॉलिसी करना चाहते हैं यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पे सिलेक्ट करता हूँ, आपको प्राइस पे क्लिक करना है, ध्यान रहे प्राइस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा कंपनी है, किस कंपनी से मैं यहाँ पे पॉलिसी ले रहा हूँ, और उसके बाद कितना आपका चार्ज लगने वाला है, अमाउंट लगने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 758 रुपया है। और देखें पहला स्टेप, आपको तीन स्टेप से गुजरना है। पहला स्टेप में यहाँ पर आपका नाम शो होगा, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ये जरूरी है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जरूरी है, आप डाल ले। यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाई देगा, एड्रेस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको पिन कोड डालना है। इस तरह से आपको क्या करना है, फिर से आपको मिला लेना है, ध्यान रहे आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप सही सही डालें। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेकेंड स्टेप के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम डालना है, तो चलिए यहाँ पे नॉमिनी नेम डाल देते हैं। अब जो आपने नॉमिनी डाला था वो आपके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी रिलेशन है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब नॉमिनी का एज यहाँ पर डालना है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो नॉमिनी का एज यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका गाड़ी फाइनेंस किया हुआ है, तो यहाँ से यस नो क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। और तीसरा स्टेप में यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपका गाड़ी का नंबर शो होगा, देख सकते हैं। अब नीचे देखिए सेकेंड स्टेप में प्रीवियस इंश्योरर यानी इससे पहले आप किस कंपनी से इंश्योरेंस कराए थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर पॉलिसी नंबर, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है पहले
तो उस कंपनी का जो पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पे डालना है, और एक्सपायरी डेट यानी जो आपका प्रीवियस पॉलिसी था उसका एक्सपायरी डेट कितना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके लगा लेना है, और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप इसे जो पॉलिसी था उसे क्लेम किए थे, इस पर दो पे क्लिक करना है, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। अब आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आपका यहाँ पर कितना का आपका वैल्यू है गाड़ी का वो यहाँ पे शो होगा, और कितना आपका प्रीमियम लगने वाला है, GST यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका टोटल जो है वो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यू पे है यानी टोटल आपको इतना अमाउंट पे करना है GST के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसका अपडेट व्हाट्सएप में ले तो इसे इनेबल कर सकते हैं। अब पे सिक्योरली है सिक्योरली इस पर क्लिक करना है, जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। अब आपको पेमेंट करने के लिए मेथड सेलेक्ट करना है, मोड सेलेक्ट करना है, कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, जिससे भी करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से मैं आपको UPI से पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो UPI पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें UPI यहाँ पे आ चुका है। अगर आप भीम पे यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर QR कोड का नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आप इसे इस QR कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आएगा, आप इसे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर ऐप है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको UPI ID डालना है इस तरह से, और यहाँ पे एड UPI अकाउंट एंड मैक पेमेंट है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो जो भी आपने UPI ID डाला था उसमें पेमेंट रिक्वेस्ट चला जाएगा। देख सकते हैं मैंने पेटीएम का डाला था और पेटीएम में मेरा पेमेंट रिक्वेस्ट आ चुका है। जब पेटीएम को अनलॉक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिखाई देगा, और आपको क्या करना है यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर पेमेंट करेंगे और जैसे ही पिन डाल कर आपका पेमेंट यहाँ पर कन्फर्म होगा, और जब यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको एक बात का ध्यान देना है, इसे कट नहीं करना है, आपको स्विच करना है। तो स्विच करके आपको यहाँ पर उसी वेबसाइट पर चले आना है, और आपको एक बात का ध्यान देना है, मैं हमेशा से बोलता हूँ यहाँ पे आपको रिफ्रेश नहीं करना है। रिफ्रेश करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं हो जाएगा, पेमेंट रुक जाएगा, अटक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका आपने जो ईमेल आईडी डाला था उसमें 30 मिनट बाद आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हीकल्स पॉलिसी डिटेल है, कॉम्प्रेसिव है, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए आधे घंटे बाद मैं अपना मेल चेक करता हूँ, तो मेरा आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने मेल को ओपन करता हूँ, जैसे मेल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखे पॉलिसी बाजार की तरफ से मेरा मेल आ चुका है, यानी मेरा सॉफ्ट कॉपी यानी इंश्योरेंस का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि मेरा इशू कर दिया जा चुका है, और यहाँ पे मेरा सॉफ्ट कॉपी अटैचमेंट में भेज दिया है। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे पॉलिसी नंबर है और मेरा डिटेल यहाँ पे टोटल शो होगा। ये देख सकते हैं मेरा कंपनी है और ये मेरा सॉफ्ट कॉपी है यानी इंश्योरेंस पेपर है, आप इसे प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं पॉलिसी नंबर यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, और यहाँ पे देखे 2-व्हीलर इंश्योरेंस है, और नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है, एड्रेस दिखाई दे रहा है, कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टोटल कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको मालूम चल गया किस तरह से आप बाइक इंश्योरेंस मोबाइल से करेंगे।